मैथमेटिक्स वाला डीसी जैन आज आपको जो है यूनिट टेस्ट पेपर देंगे। यूनिट टेस्ट पेपर का मतलब क्या है बच्चों, आपकी ज़िंदगी का टेंशन को कम करना, क्योंकि आप लोग सभी स्टडी कर रहे हैं, कुछ स्कूल में कोई कोचिंग में कोई कहाँ पर, तो जितना आपको पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको यूनिट टेस्ट भी देना है। आप अपना जजमेंट कर सकते हो, तो इसीलिए आप यूनिट टेस्ट को अपनी कॉपी में लिखें और अपने टेंशन को कम करें। कॉपी में लिखकर आप इसका सॉल्यूशन दें ताकि बोर्ड में भी पूरे मार्क्स आएं और आपकी लाइफ के अंदर आने वाले कंपटीशन में भी सबसे बेस्ट नंबर आपके पास आए। तो आप अपनी कॉपी में आपको क्या करना है, 20 मार्क्स का टेस्ट पेपर है, 30 मिनट के अंदर अंदर आपको ये पेपर करना है। सेम अगर बोर्ड का पेपर आप देखते हो तो ऐसा कैसा बोर्ड में मिलेगा आपको, और ऐसा कैसा जितने भी स्कूल के बच्चे हैं सभी जो अपने यूनिट टेस्ट होते हैं, जैसे सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, अगस्त में, जुलाई में, जब भी आपका यूनिट टेस्ट होता है उस टेस्ट में आपका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 क्या आपका यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12th है ये। कौन सी क्लास? 12th के मैथमेटिक्स के अंदर आपका जो है क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको कॉपी में लिखकर आप इसका सॉल्यूशन दीजिए और 30 मिनट के अंदर अंदर आपको ये करना है। तो देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, इसका रिजल्ट क्या आएगा? चार ऑप्शन है, पाई 0 माइनस पाई बाई 2 अंडर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/√2 इज, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान क्या है? इसका मुख्य मान माइनस पाई बाई फोर, 3π/4 या 5π/4 है। ये एक नंबर का आपके पास, यही एनटीए में, यही बोर्ड के अंदर, यही आईआईटी के अंदर, यही आईएएस के अंदर, यही आरएस के अंदर, यही ऑल इंडिया का सभी कंपटीशन के अंदर आपके पास सवाल आता है। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 7π/6 इज, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? 7π/6। अपन जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इसको 7π/6 कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो आपको आंसर कौन सा ये बताना है, 5π/6, π/6, नन ऑफ दिस, एक मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 2π/3 प्लस sin इनवर्स 2π/3 इज 4π/3, π/2, 3π/4 और पाई, ये आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 4/5, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/√5, 2/√5, 1/√10, 2/√10, एक नंबर का आपके पास क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, sin इनवर्स x + sin इनवर्स y = 2π/3 है, देन cos इनवर्स x + cos इनवर्स y का मान क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये आपको बताना है। π/6, π/3, π और 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इस समीकरण को, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बताओ x की वैल्यू क्या होगी? cos इनवर्स 1 - a² / 1 + a² प्लस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x, ये आपके बोर्ड के अंदर दो नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, सिद्ध करो कि sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 बराबर 15 होगा, ये आपको बोर्ड के अंदर चार नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। हैं, प्रूव दैट 1/2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 1 + x स्क्वायर रूट के अंदर 1/2, ये अपने को प्रूफ करना है। कैसे करना है, इसका चैप्टर मैंने आपको YouTube पे डाल रखा है, आपको चैनल के अंदर आपको चैप्टर नंबर 2 खोलिए और उसकी थ्योरी पढ़िए, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन होगा, ये बोर्ड के अंदर चार नंबर का आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स √1 + x की पावर n n माइनस √1 - x की पावर n अपॉन √1 प्लस x की पावर n प्लस √1 माइनस x की पावर n बराबर π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x की पावर n होगा। इस तरह से ये चार चार नंबर के, ये दो नंबर के, वन मार्क्स के, फिलिंग द ब्लैंक एंड सोन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो आप अपना क्या नाम है, अपना टेस्ट दीजिए और बेस्ट नंबर आपके पास आई है तो मुझे आशा है कि आप इस पेपर को करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम है कॉमेंट्स बॉक्स में डालिए, और आने वाले टेस्ट आपको प्राइस टेस्ट मिलेंगे, आपको पैसे भी मिलेंगे, बस हर तक आप इन क्वेश्चनों को
अपनी कॉपी में कर मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेजते हैं तो मुझे पता चलेगा आपने किया है, तभी तो प्राइज मिलेगी, अदरवाइज कोई प्राइज नहीं मिलेगी आपको। आपको प्राइज सामने पैसे दे रहा हूँ, तो आप इनको क्वेश्चन को करिए और आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आप डालिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आंसर मिलेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है आप बताइए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भेजिए, और जितना पास करोगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा।